नवंबर में होना चाहिए, साला नवंबर में तागमान हो रहा है। जी 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 जी, इसका असर ज्यादा है इसके ऊपर। क्या आपने इसका? 7 लोग, 7 आदमी हैं जो सिम निकाल। हुआ जो हारे जुहारी वाला हमारा हिसाब है। जी 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 जी, अभी पीछे मैं तो यही मतलब है कि हमको नुकसान नजर आ रहा है इसमें। जी जी जी, तो 24 सितंबर को आलू नहीं गड़ना चाहिए यहाँ। नहीं गड़ना चाहिए था यहाँ। सटीक टाइम हमको ये मालूम हो रहा है, 15 अक्टूबर के बाद ही बुआई होनी चाहिए, बुआई होना चाहिए। मगर गेहूँ का भी चांस मिल जाता है, धनिया वगैरह, खरबूजा वगैरह, मक्का वगैरह सब आगे मिल जाती है। बहुत मिजाज के खिलाफ और तरतीब के भी खिलाफ, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि कोई बात नहीं, इसीलिए जी युवा समझो ये खेला था कि हारे जुआ लगाए दो कहीं से लाए के काम जी, पूरा कर रहे जी। तो वो मकसद हमारा था जी जी, मगर उसमें नवंबर में होना चाहिए, सारा नवंबर में तागमान हो रहा है। जी जी जी, जी, तो जी, इसका, जी इसका असर ज्यादा है इसके ऊपर। ये 9 इंच और ये 9 इंच, 18 और कम से कम 5, तो ये समझिए 23-24 इंच का इसका फोलियज का साइज है। वेरी गुड इवनिंग, आज तारीख 7 नवंबर 2024। ठीक बात है यासीन जी, जी। कल डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने जी, जी। अमेरिका के जी, जी। सही बात, बिल्कुल ठीक। ये इस बात का नजीर होगा कि ये पिछले साल का वीडियो नहीं है जी। ठीक बात है ना जी, जी। इसलिए हमने ये बात का जिक्र किया। तो सलीम भाई, कैसे आपने ये बनाया और कैसे आपने ये सोचा कि ये किया जाए? सोचा, ये 6 महीने से खेत खाली पड़ा था, केला था इसमें पहले। अच्छा, इसमें बीमारी लगी केले में, यहाँ बीमारी आजकल कुछ ज्यादा चल रही है। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये इलाका कौन सा है? ये ग्राम मगराना लगता है। ठीक है, और बड़ा वाला इलाका बताइए, तहसील क्या है? तहसील मोहम्मदी, मोहम्मदी कस्बा, मोहम्मदी कस्बा, मोहम्मदी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। परफेक्ट 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 जी। तो ये कितना बड़ा रकबा है? ये 20 बीघे का है रकबा। अच्छा साहब, 20 बीघे के रकबे में आपने जी आलू लगाया। आलू लगाया, कौन सी वेरायटी लगाई है आलू की? इसमें पुखरी मोहन है। अच्छा, और पुखराज है। बहुत उम्दा पुखरी मोहन। कौन सा पुखरी मोहन? कुफरी मोहन कौन सा है? ये पुखरी मोहन है। अच्छा, और ये इधर करीब 12-14 लाइनें जो है जी शुरुआत की, 16 हूँ जी, वो पुखरी पुखराज है। वो पुखराज, परफेक्ट। पानी भी लगवा रहे हैं आप जी, जी। और तागमान ज्यादा हो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं अफसोस तो नहीं है इस बात का कि आपने आलू लगा दिया? नहीं, लगा तो बहुत खुशी से, मगर अब अफसोस है। अफसोस हो रहा है जी, है? जी। कि थोड़ा ज्यादा जल्दी लगा दिया, ज्यादा जल्दी लगा दी। क्या लग रहा है आपको, ट्यूबर्स आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्या ख्याल बहुत है आपका? कम बन रहे हैं किसी किसी पेड़ में। अच्छा, ये लोग पिक कर रहे हैं जी, तो किसी किसी पेड़ में मिलता है। अच्छा, सब में नहीं है? सब में, अभी गर्मी अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान का चांस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। काफी पैसा लग गया, करीब 85-90 हजार, उनका कानम खाली 1 लाख रुपए का बीज लग गया है 85 कट्ठे। ओहो, कितने रुपए में आपने बीज खरीदा था? बीज 1100 रुपए खरीदा, 1140 रुपए जी। कहाँ से? पुआ। अच्छा, पुआ से खरीदा। ओहो, तो क्या आपके जहन में क्या आया कि आपने सोचा कि इतना आगे थी आलू लगा दिया जाए? इसलिए लगा दिया, ये 6 महीने से खेत खाली पड़ा हुआ था जी। जी, अच्छा। तो मैंने कहा आलू लगाने फर्स्ट में, तो हाँ। फर्स्ट के रेट बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, अमूमन होते हैं। हाँ। बट इस बार का तो न, मगर रेट लेके दूसरी फसल भी मिल जाने के चांस मिल जाए, आगे गेहूँ का भी चांस मिल रहा है ना। तो अच्छा, आप 60 गेहूँ भी लगाना चाहते हैं? गेहूँ का भी चांस मिल जाता है, धनिया वगैरह, खरबूजा वगैरह, मक्का वगैरह सब आगे मिल जाती है। बहुत बेहतर है। आपका नाम? हमारा नाम इशरत अली। इशरत अली, आप भी वही गाँव के रहने वाले? ये मगरैना गाँव। मगरैना। अच्छा, तो इशरत भाई, और किसी ने भी लगाया है आपके गांव के अंदर इस तरीके का आलू? और तो किनारे लगा, पहले हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ आलू करते थे जी, फिर बीच में छोड़ दिया। क्यों?
छोड़ दिया इसलिए कि हम लोग सब कोल्ड स्टोर करते थे काफी, कई कई बार आलू ले जाते थे शाहजहांपुर के मिल में रखते थे जी। मिल वालों ने बेईमानी शुरू कर दी। क्या किस तरह की बेईमानी? इस तरीके से अगर रेट बढ़ रहे हैं तो उन्होंने आपने कहा कि बेचना है तो रेट बढ़ गया तो वो बिक गया बस। और अगर अगर नहीं बिका अगर रेट घट गया अगर रेट का बड़ा है अगर सस्ता चल रहा है तो अपना बेचते थे हम लोगों का निकालते नहीं ज्यादा। इस वजह से हम आप लोगों को नुकसान हुआ। हाँ। आप कितने बीघे के काश्तकार हैं? हमारे पास 35 बीघे जमीन है। क्या बात है, क्या बात है। और आपके पास चाचा सलीम भाई आप? नहीं जमीन तो हमारे 100 बीघे 80 बीघे करते हैं, ठेके के ऊपर करते हैं। कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी आलू अभी हमने 26 अक्टूबर को खूब हुआ इस वाले खेत में। बाग पास यहाँ पर 2 एकड़ खेत है, इसमें आलू किया करते थे बहुत ज्यादा जी। अब क्या करते हैं? अब हमारा केला लगा हुआ है कढ़ाई और इधर ही लगा है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। कितने लेबर लगा रखे हैं आपने इस वक्त? 7 लोग हैं। 7 आदमी हैं जो सिर्फ निकौनी कर रहे हैं। बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा हुई है जी। हाँ बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो कमर तोड़ खर्चे सामने 26 अक्टूबर को ये खंबा खड़ा है जिसमें आलू हुए। अच्छा इसमें आलू 2 नवम्बर को जो है। अच्छा इसमें आलू हुए। अच्छा इसमें आलू 2 नवम्बर को जो है। अच्छा ये जी अभी जमा है। अच्छा अभी ऊपर नया है। तो आप अपने किसानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो यही अपने तजुर्बे से नुकसान नजर आ रहा है इसमें जी जी जी। तो 24 सितंबर को आलू नहीं गड़ना चाहिए यहाँ, नहीं गड़ना चाहिए था यहाँ। सटीक टाइम हमको ये मालूम दे रहा है 15 अक्टूबर के बाद ही बुआई होनी चाहिए, बुआई होना चाहिए ठंड आएगी। और 15 नवंबर तक ये वेस्ट टाइम हमारी नजर में है। ये इस वक्त का बेस्ट टाइम जी जी बेस्ट जी, टाइम जी। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। हाँ हाँ, हमारा मानना है कि 22 नवंबर तक की मुनासिब वक्त है बिल्कुल, बिल्कुल आलू बोने के लिए। पिछले साल हमने किसी 22 में बोया था जी 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 जी, तो अच्छा निकला था। इस बार असल में गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो बहुत सारे किसान जो है बिल्कुल ठंडे बैठे हुए हैं जी। जो तापमान सितंबर में होना चाहिए सारा नवंबर में तापमान हो रहा है जी 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 जी। इसका असर ज्यादा है इसके ऊपर है ये असर। तो ये सोच रहे थे उस टाइम की 25, 26, 27 के आसपास जब तक जमेगा तापमान आ जाएगा जी, लेकिन तापमान 32, 34, 33, 35 इस रेंज में चलता रहा भी पीछे जी। अब भी 30 के ऊपर आज भी हमारा काल 30 के आसपास होगा दिन का। हाँ हाँ हाँ, दिन में ज्यादा हो जाते हैं जी। तो ये सूट नहीं कर पा रहा, ये 30 का तापमान इसको नहीं चाहिए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसको बढ़िया तापमान तो 20, 21, 22 का है जी जी आलू का जी, ये होना चाहिए। आइडियल है 25 से लेके 20 के बीच में। हाँ, उसमें ट्यूबर फॉर्मेशन सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया मोटा आलू पैदा होता है बेशक। तो इसको आप अपनी चूक मानेंगे, लेकिन किसान तो सबसे बड़ा जुआनी दुनिया का बस, किसान बस यही बात जी। अगर अभी दांव लग गया होता तो आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं। ये वो हुआ जो हारे जुआरी वाला हमारा हिसाब जी, जी, है जी 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 जी। अभी पीछे केला हमने 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो केले में नुकसान लॉस ज्यादा हो गया। ओहो, क्यों? वो नहीं हो पाया, कुछ किस्मत या है या हमारी जो कमियां केले के रोग लग रहा, फरन रोग लग गया, पिनामा रोग बोलते उसको। अच्छा, वो पेड़ ही सूख जाता है जी, फंगस लग जाती है, फंगस इतना लगता काले रंग की, काले रंग की फंगस होती है, पीला पीला पीला। हाँ नहीं, फंगस जब आप खोलेंगे अंदर से तो पोंगा काला निकलेगा पूरा, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त वो जो केले को जिसने ग्रसित कर दिया है। तो क्या आप लोग अच्छे बीज का चयन नहीं करते हैं उसके अंदर? नहीं, हम तो जैन से ले रहे। तो आपकी जमीन शोधित नहीं है क्या? नहीं, हो अभी तक सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अभी बहुत बहुत केला हुआ है, 2-3 साल से गड़बड़ कर रहा है, 2 साल से तापमान ज्यादा। बैक टू बैक आप केला करते हैं? बैक टू बैक तो करते हैं, मगर फिर भी हम बीच बीच खेत दूसरी फसल कर लेते हैं। हाँ, 3 साल 2.5 साल के बाद में बदल देते हैं। जैसे अगर बैहर किया, पेड़ी करी तो बैहर में ही हम खत्म कर देते हैं ज्यादा हिस्सा, तो दूसरी फसल ले लेते हैं कोई ना कोई। ठीक है, फसल चक्र बदलना, फर्स्ट करने चक्कर में ये वही जो नुकसान हुआ तो हमने कहा शायद भरपाई कहीं पे हो जाए जी, होगी होगी कि फर्स्ट हो जाए कि हम ये सोच रहे हैं कि 50% जो पैदावार जितनी होती है उससे 50% हमको मिल जाए जी जी जी। तो रेट से आप कवर कर लेंगे? रेट से कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो निजाम कुदरत है कि और तेल तो तिल्ली से ही निकलेगा, कहीं और से तो आएगा नहीं। अब खेत में गिरा है तो खेत में ही ढूंढेंगे और कहाँ लाएंगे, अब खेत में गिरा है तो खेती में ढूंढेंगे। लॉस बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं।
इसीलिए जी कभी तो ये खेला था कि हारे जुआरे लगाए दो कहीं से लाए के काम जी, 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 कर रहे। तो वो ही मकसद हमारा था जी जी, मगर उसमें मकसद में खेल नजर आ रहे हैं। अरे ऐसे मत कहिए, नहीं अल्लाह भाई मामला सब भाई अल्लाह जो है कि मुर्दे में जान डाल दे, अल्लाह बहुत बड़ा है। जी 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 बेशक। तो अभी इसके अंदर है, हम आप आइडिया लगा सकते, क्या मालूम है इसके अंदर नहीं देख सकते है, आलू औलिया तो नहीं है, आलू औलिया ही है जी, आम और आलू जी जी, ये औलिया से निकले हुए हैं, मामला है मतलब जिसको चाहे आबाद कर दे, जिसको चाहे बर्बाद कर दे, ये मामला है हमारा आम का भी काम। मिजाज के खिलाफ और तरतीब के भी खिलाफ, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि एक पेड़ खोद कर हम देखना चाह रहे हैं। आए, आए, खाए। तो किस आलू है यार। कुछ भी पुराना ना है, छर रहे हैं। अरे छर्रों से क्या हुआ, कितने दिन का आलू हो गया ये? 24 सितंबर से 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर से एक महीना 13 दिन का आलू है। लाओ लाओ बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर एक तो पूरी आंख ही नहीं निकली, जर्मिनेशन अच्छा नहीं है, और दूसरी बात यह क्योंकि सिर्फ ये पिनिकल जर्मिनेशन इसको कहते हैं, ये बहुत गड़बड़ चीज़ होती है, यानी सारी ताकत आलू ने सिर्फ एक ही अपने एक ही अकुए पे लगा दी और बाकी सारे अकुए जो हैं वो मर गए हैं। ये देखिए अगर आप ध्यान दें, ये एक अकुआ है, ऐसे ही यहाँ पर एक और अकुआ है, ये एक अकुआ है, ये है, लेकिन ये कोई चले नहीं है, पिनिकल इनिशिएशन। बस 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 बस, ये टेम्परेचर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। और आल देखिए आप, तो आल हम समझते हैं कम से कम 18 इंच की आल होगी, ठीक है, ये हम हैं, ये 9 इंच और ये 9 इंच, 18 और कम से कम 5, तो ये समझिए 23-24 इंच का इसका फोलियज का साइज है, और 2 या 3 इसके अंदर ट्यूबर फॉर्मेशन हुए, विच इज आई बिलीव इज अ टोटल फ्लॉप। सो हाँ, सो वी आर पुटिंग इट बैक विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टिंग नथिंग आउट ऑफ द फील्ड्स। इसमें कुछ भी उम्मीद रखना नासमझी और बेवकूफ़ी होगी। थैंक यू।